दोस्तों क्या आपको पता है इंडिया में आज 80% ई कॉमर्स कम्प्लीटली व्हाट्सएप पे हो रहा है। बेवकूफ.com जैसी बड़ी ब्रांड्स 30% अपनी पूरी सेल्स कम्प्लीटली व्हाट्सएप पे कर रही है। जितनी भी बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है जो सिंगल वेंडर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो तेजी से अपनी सेल्स को व्हाट्सएप पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसी जगह है जहाँ प्रोडक्ट सेल करना बहुत आसान है, जहाँ पे कोई भी इंसान मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर सकता है। प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, कस्टमर्स के साथ एंगेज करने के लिए, कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए, ऑटोमेशन के लिए व्हाट्सएप से बेटर प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को व्हाट्सएप के थ्रू इजीली सेल कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप सेलिंग को किस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्षित सेठिया, आप देख रहे हैं सोशल सेलर एकेडमी। मैं पिछले 7 सालों से सोशल कॉमर्स के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, वीडियोस बना रहा हूं और लोगों को सिखा रहा हूं कि किस तरीके से वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मदद से ही अपना कम्प्लीटली ऑनलाइन बिजनेस का इकोसिस्टम बना सकते हैं और ऑनलाइन बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं मानता हूं कि कोई भी इंसान बहुत बड़े लेवल पे सेल्स कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप पे ना दो तरीके के व्हाट्सएप होते हैं, एक तो आपका हो गया नॉर्मल बिजनेस वाला मोबाइल वाला व्हाट्सएप और एक हो गया व्हाट्सएप बिजनेस API। व्हाट्सएप बिजनेस API के बारे में आज की डेट में ज़्यादातर लोग नहीं जानते, ये सिर्फ कंपनियां यूज़ करती है। आपने पहले भी देखा होगा जो ग्रीन टिक वाला व्हाट्सएप होता है जिससे ईजिली हम ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं, ये बेसिकली व्हाट्सएप बिजनेस API होता है। और जो हम नॉर्मली अपने बिजनेसेस के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत कॉमन है वो है व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन। तो जो नॉर्मल व्हाट्सएप बिजनेस ऐप होता है ना, इसकी बहुत सारी लिमिटेशन होती है। इसमें ना आप बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को मैनेज नहीं कर सकते हो, ऑटोमेशन नहीं कर पाते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप या आपके टीम मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 कंप्यूटर्स में कितने कस्टमर्स को मैनेज कर लेंगे। तो अगर आपके पास दिन में सपोज 100, 200, 300 कस्टमर्स आ रहे हैं तब तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो, लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि आपको एक दिन में 5000 क्वेरीज आ गई तो किस तरीके से मैनेज करोगे, नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमारे पास व्हाट्सएप बिजनेस API है। व्हाट्सएप बिजनेस API हमको फेसबुक की तरफ से मिलती है और इसको हम अपने एक प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करके अपने पूरे बिजनेस को मैनेज करते हैं। हम अपने व्हाट्सएप बिजनेस API को मैनेज करने के लिए इंटरेक्ट नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो हैप्टिक का है, हैप्टिक जो है वो जियो की कंपनी है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो जितने भी लोग जो हमें यूट्यूब से कनेक्ट करते हैं वो हमारे पास इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और यहीं से ही हम अपने सारे कस्टमर्स को, सारे क्लाइंट्स को, सारी क्वेरीज को मैनेज करते हैं। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमारा प्लेटफॉर्म दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी 1200 लोग का मैसेज पेंडिंग है, 1200 से ज़्यादा लोगों का मैसेज अभी भी पेंडिंग है। तो यहाँ पे हमारी पूरी सेल्स टीम है जो बैठती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभिलाषा है, अंकित है, अविनाश है, बलवंत है, नेहा है, निशा है, सागर है, ये सारी हमारी सेल्स टीम है जो सॉफ्टवेयर पे कस्टमर्स को रिप्लाई करती है। तो यहाँ पे आप इजीली कुछ भी लिख सकते हैं, ये जैसे जब आप सेंड करेंगे ना तो ये नॉर्मल जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड होता है आगे वाले पर्सन को, ये वैसे ही रिसीव होगा। ये हमारे तरफ से ये पैनल है, यहाँ पे आपको पूरे कस्टमर का डेटा दिखता है, यहाँ पे आपको जितने भी आपके नए कस्टमर्स आ रहे हैं वो आपको दिख जाते हैं एंड यहाँ पे आप कस्टमर्स को टैग भी कर सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के लिए, कौन से प्रोडक्ट के लिए वो कस्टमर आया है, तो आपको मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है। अब इसका सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट ये है कि आपका जो नंबर है ना वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, आपको हर बार नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं होती। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, आप एक बार में बल्क ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, बल्क मैसेजिंग भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ने 8000 लोग को एक बार में व्हाट्सएप मैसेज भेजा है और वो तुरंत चले जाता है। अब यहाँ पे मैं टेम्पलेट क्रिएट कर सकता हूँ अपना मैसेज करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 42,000 से ज़्यादा लोग अभी तक के हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुए हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे जिनका डेटाबेस सेव्ड है। अक्सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप नॉर्मल जब आप प्रोडक्ट सेल करते हो ना व्हाट्सएप पे तो आप एक एक करके नंबर नहीं सेव कर पाते हो अपने कस्टमर्स का, लेकिन अगर आप API यूज़ करते हो तो नंबर सेव कर सकते हो। इस तरीके की API लेने के लिए आपके पास पूरी एक प्रॉपर कंपनी होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर वेबसाइट होना चाहिए और सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब भी फेसबुक आपके बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करता है, जब आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट हो, तो अगर आप कोई कंपनी नहीं हो, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप इस सिस्टम को यूज़ ही नहीं कर सकते। तो उस वक्त अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो और आपको ऑटोमेट करना है तो उसके लिए आप अनऑफिशियल API ले सकते हैं, जो कि हमारा जो बल्क ब्रॉडकास्ट नाम का एक टूल है उससे हम ये चीज़ करते हैं और लोगों को करना सिखाते हैं। तो ये वेबसाइट है बल्क ब्रॉडकास्ट की, यहाँ पे इजीली आप अपने नंबर को ही यहाँ से स्कैन करके अपने नंबर को सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे आप टाइप नहीं कर सकते, आपको चैट जो है कस्टमर से वो आपको फ़ोन से ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से आप ऑटो रिप्लाई और ऑटोमेशन कर सकते हैं, यानी कि ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं। तो कस्टमर अगर कुछ भी आपको पूछ रहे हैं, क्वेरी पूछ रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, अगर आपको बार बार फोटोज़ मंगता है, अगर आपको PDF मंगता है, अगर आपको बार बार एक ही क्वेश्चन कस्टमर की तरफ से आता है, तो यहाँ से आप ना कस्टमर को ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप वेलकम मैसेज यहाँ से सेट कर सकते हैं। वेलकम मैसेज वो मैसेज होता है जो कोई भी आपको अगर टेक्स्ट करता है तो सबसे पहले जो मैसेज जाता है तो उसको हम कहते हैं वेलकम मैसेज। तो कस्टमर को एक वेलकम मैसेज चले जाता है आपकी तरफ से, एंड उसके बाद में भी आप उस वेलकम मैसेज में कुछ ऐसा मैसेज लिख सकते हैं कि टाइप 1 फॉर दिस प्रोडक्ट कैटेगरी, टाइप 2 फॉर दिस प्रोडक्ट कैटेगरी, ऐसा कुछ मैसेज लिख सकते हैं और अपना ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपली टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए, अपना इंस्टेंस सेलेक्ट कर लीजिए और कीवर्ड लिख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे हेलो टाइप करता हूँ, तो कोई भी अगर हेलो टाइप करता है तो उसको हेलो वेलकम टू सोशल सेलर एकेडमी ऑटोमेटिकली चले जाएगा। तो इस तरीके से आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं अपने खुद का, और जो जो कस्टमर का रिप्लाई होता है उसके लिए आप अपना खुद का रिप्लाई बना सकते हैं। तो क्या होगा, आपका जो नॉर्मल बिजनेस वाला व्हाट्सएप है उसी पे ही ऑटोमेशन लग जाएगा। अच्छा, सबसे बढ़िया ये चीज़ है कि आप खाली टेक्स्ट ही नहीं, इसमें वीडियो भी ऐड कर सकते हो, PDF कैटलॉग भी ऐड कर सकते हो और आपका इमेजेस भी ऐड कर सकते हो। तो अगर सपोज़ कोई भी आपका कस्टमर आ रहा है आपके पास और पूछ रहा है कि मुझे आपसे इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप सिंपली उसको एक ऑटो रिप्लाई कर सकते हो और उस ऑटो रिप्लाई पे आप PDF अटैच कर सकते हो। कस्टमर को सीधा आपके प्रोडक्ट की पूरी PDF मिल जाएगी, आपको नहीं बात करना। और तो और दोस्तों, अगर आपको कस्टमर से ऑर्डर भी लेना है तो आप ऑर्डर ऐप को कनेक्ट कर सकते हो इस चैट बॉट के साथ। अब ऑर्डर ऐप के बारे में बता दूं, ऑर्डर ऐप हमारा एक ऐप है जिसको हमने रिसेंटली प्ले स्टोर पर लॉन्च किया है। यहाँ से आप अपनी खुद की ऑर्डर लिंक बना सकते हो। अब इस ऑर्डर लिंक पे जो भी कस्टमर आएगा उसको अपनी ऑर्डर की पूरी डिटेल फिल करना है और कस्टमर आपको ऑर्डर की रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर आपके बैकएंड पे सेलर के पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपके वेयर हाउस में प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं तो आप कस्टमर के ऑर्डर को रिजेक्ट भी कर सकते हो। उनको सीधा व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन चले जाएगी। तो ये ऑर्डर ऐप से आप इजीली कस्टमर से ऑनलाइन ऑर्डर्स रिसीव कर सकते हो। अगर आपने एक्सेप्ट किया तब आपके कस्टमर के पास पेमेंट की लिंक जाएगी और उसके बाद कस्टमर पे करेगा और आपका ऑर्डर बुक कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से आप ऑर्डर ऐप से ऑर्डर लिंक क्रिएट करके और इस चैटबॉट को यूज़ करके ऑटोमेशन के थ्रू कस्टमर से एंगेज कर सकते हो और ऑर्डर्स ले सकते हो। अब मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। आप सिंपली इस नंबर पे हाई करके भेजिए, आपको एक रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब आप जो भी कैटेगरी पे इंटरेस्टेड है आप वो टाइप कीजिएगा। जैसे मैं फर्स्ट नंबर की कैटेगरी पे इंटरेस्टेड हूँ तो मैं 1 टाइप करूंगा, तो यहाँ पे देखिए मुझे ऑटोमेटिकली एक PDF आ गया। अब मैं इस PDF पे जाके मैं जो भी प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड हूँ वहाँ पे ऑर्डर रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ और सेलर को अपने ऑर्डर ऐप पे सीधा देख सकते हैं ऑर्डर की रिक्वेस्ट आ जाएगी, जिसको सेलर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है व्हाट्सएप पे सेल करने का, वो ये होता है कि पहले से ना आप कस्टमर की जितनी भी इंक्वायरीज होती है उसका पहले से आंसर बना के रख लो, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको टेम्पलेट बना के रख लो। और टेम्पलेट बनाने के बाद सपोज़ अक्सर कस्टमर्स क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि शिपिंग कितने दिन में पहुँचेगी, या फिर जो भी आपके पास प्रोडक्ट है उनका कैटलॉग हमें भेजिए। तो जितने भी कस्टमर के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनका आपको टेम्पलेट बना के रख लेना है और फिर उस टेम्पलेट को कस्टमर के जितने रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करके रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्पलेट का भी ऑप्शन है। यहाँ पे आपके जितने भी टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी आपका कस्टमर है अगर आपको बल्क में व्हाट्सएप मैसेज भेजना है तो वो भी आप यहाँ पे अपनी टेम्पलेट सेलेक्ट करके और जितने भी कस्टमर का नंबर है डेटाबेस यहाँ पे डाल के आप बल्क में अपने कस्टमर्स को मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। ये जो हमारा टूल है बल्क ब्रॉडकास्ट का, इसको अगर आपको बाय करना है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ। आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और फर्दर इस टूल को बाय भी कर सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पे जाएंगे तो आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इस पे आपको मैसेज करना है एक्टिवेशन के लिए। जैसे ही आपका पेमेंट प्रोसेस होगा आपका ये अकाउंट हम एक्टिवेट कर देंगे। तो बेसिकली इस टूल से होगा ये कि आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस को ही ऑटोमेट कर सकते हो। और अगर आप एक कंपनी हो, आपको प्रॉपर लेवल पे ऑटोमेशन करना है और बहुत सारी टीम के साथ ऑनलाइन सेल्स करनी है, तब मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप व्हाट्सएप API रजिस्ट्रेशन करवाइए। हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ऑफिशियल API रजिस्ट्रेशन पे भी मदद कर सकती है। अगर आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप API चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी व्हाट्सएप API रजिस्टर करने पे। एक बार रजिस्टर करने के बाद आपके पास खुद का इस तरीके का पैनल आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करना है।
चाहे आप WhatsApp QR कोड की भी मार्केटिंग कर सकते हैं न्यूज़पेपर में या पॉम्पलेट्स में, या फिर आप ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर सकते हो। जितना आप मार्केटिंग करोगे उतनी लीड्स आएगी आपके पास, जैसे मेरे पास YouTube से आ रही है, वैसे ही आप Facebook एड्स, Instagram एड्स या YouTube एडवर्टीजमेंट से भी लीड लेके आ सकते हैं। एंड बस आपको अब ऑटोमेशन करना है। तो ये तरीका है दोस्तों, आप इजीली कोई भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो WhatsApp पे, और WhatsApp चैटबॉट को यूज़ करके या फिर WhatsApp बिजनेस API को यूज़ करके आप WhatsApp पे ही अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कर सकते हैं बिना ज़्यादा किसी टेक्निकल चीज़ों को यूज़ किए हुए। आई होप दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जो जो टूल्स मैंने बताए हैं वो सारे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे लिख दिए हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट कर सकते हो, और हाँ, इसी तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए सुशील सेलर अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे।